नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PK एजुकेटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप जो है कुछ छात्रों की कम क्यों आ रही है, ख़ास तौर से माइनॉरिटी वालों की। इस साल केवल स्कॉलरशिप आ रही है इस टाइम पे मार्च में, जिसकी भी आई है फीस वापसी नहीं हो रही है। तो इसका कारण क्या है, इस पर मैं बात करने वाला हूँ, विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ इस वीडियो में। और उससे दोस्तों आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि यदि आप किसी भी कंपिटिटिव एग्ज़ाम की या वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको मैथ की क्लास करनी है घर बैठे यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और बिल्कुल बेसिक से करनी है आपको मैथ की क्लास, तो एक चैनल है हमारे सर का ही चैनल है वो, तो मैंने उसका लिंक जो है उस चैनल का आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से क्लिक करके एक बार चैनल पर विजिट कर लीजिए और मेरा ये दावा है 101% आपको फ़ायदा होगा और मैथ आपकी कितनी भी वीक हो, मैथ आपकी अच्छी ज़रूर होगी। तो एक बार चैनल पर विजिट कर लीजिए। तो दोस्तों, बात करने वाला हूँ इस वीडियो में मैं कि स्कॉलरशिप जो है वो कम क्यों आ रही है, ख़ास तौर से माइनॉरिटी की जो है केवल स्कॉलरशिप आ रही है, फीस वापसी क्यों नहीं आ रही है। इन्हीं बातों पर चर्चा करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो पर बने रहिएगा अंत तक। और उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपको पता होगा कि पिछले ईयर ओबीसी की फीस वापसी नहीं हुई थी, परसेंटेज ऑफ क्राइटेरिया लगा था उसमें, ठीक है, 62% का। इस वर्ष उस परसेंटेज क्राइटेरिया को कम किया गया, 55% तक वालों की फीस वापसी की गई सरकार की तरफ से। लेकिन माइनॉरिटी में ऐसा कभी नहीं कहा गया कि उनका परसेंटेज क्राइटेरिया है कि इतने परसेंट होना चाहिए, लेकिन जिनकी पहले आई थी मार्च के पहले उनकी पूरी आई थी, फीस वापसी भी साथ में आई थी और स्कॉलरशिप भी आई थी। लेकिन मार्च में जिनकी भी आ रही है ऐसा हम भी देख रहे हैं पर्सनली, और स्टूडेंट्स हमको लगातार कमेंट करके बता भी रहे हैं कि सर केवल फीस आ वो सॉरी केवल स्कॉलरशिप आ रही है, फीस वापसी नहीं आ रही है। तो देखिए इसका कारण क्या हो सकता है, इसका कारण देखिए ये है कि बजट की कमी है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में भी। तो पहले वो सभी छात्रों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं, उसके बाद जो बजट बचेगा उससे वो शुल्क प्रतिपूर्ति करेंगे, ठीक है, यानी फीस वापसी की कार्रवाई उसके बाद होगी। पहले सभी छात्रों को स्कॉलरशिप देने की कोशिश है, ठीक है। इस बारे में मैं आपको रिकॉर्डिंग भी इस वीडियो में सुनाने वाला हूं, जब हमने कोशिश की कि हम अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से पता करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने जो बताया उसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपको आगे सुनवा दूंगा, आप वो रिकॉर्डिंग भी सुन लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा मामला। ओबीसी में भी छात्रों की फीस वापसी कम हो रही है। और देखिए इशू हर कैटेगरी के साथ है, जनरल वालों के लिए बजट नहीं है, उनकी तो जिसकी नहीं आ रही तो पूरी नहीं आ रही है। ओबीसी माइनॉरिटी में कम से कम स्कॉलरशिप मिल जा रही है स्टूडेंट्स को। एससी वालों की अभी बहुत सारे छात्रों की नहीं आई है, लेकिन एससी वालों को मैं बता दूं कि वो निश्चिंत रहिए आप लोग, आपका जो स्कॉलरशिप का पैसा होता है वो केंद्र सरकार द्वारा रिलीज किया जाता है और प्रदेश सरकार उसको बांटती है। तो केंद्र सरकार द्वारा आपका पैसा पूरा रिलीज कर दिया गया है, थोड़ा टाइम लग रहा है, 31 मार्च तक आपको वेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। और उसके बाद कुछ लोग देखिए हम पर आरोप करते हैं कि आप ओबीसी के बारे में ज़्यादा बोलते हैं, जनरल के बारे में कम बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए हमारे लिए सारे स्टूडेंट्स हैं, हमको ना ओबीसी से मतलब है, ना जनरल, ना एससी, ना माइनॉरिटी, ऐसा नहीं हम किसी एक का फेवर करने के लिए आपको जानकारी नहीं देते हैं, और ना तो हम सरकार में हैं कि हम किसी का फेवर करके उनको ज़्यादा फायदा पहुँचा देंगे, ठीक है। हमारा काम है आप तक जानकारी को पहुँचा देना। तो देखिए हमने जब अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से बात की, उनसे रिकॉर्डिंग है उनकी हमारे पास, कोशिश की बात करने की, जानकारी जानने की, तो उन्होंने पहले तो ये कहा कि आप 31 मार्च तक वेट करिए। तो जब हमारे द्वारा कहा गया, एक स्टूडेंट्स ने कॉल की थी उनको खुद, ये हमारे चैनल की तरफ से नहीं की गई है, तो उन्होंने जब पूछा कि सर हमारी स्कॉलरशिप तो आ गई है लेकिन फीस वापसी नहीं हुई है, तो इसके बारे में उन्होंने कहा देखिए आप 31 मार्च तक वेट करिए, अगर बजट होता है तो फीस वापसी भी हो जाएगी और अगर बजट नहीं होता है तो फिर फीस वापसी होना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए आप पहले रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, आप आगे ये रिकॉर्डिंग मैं सुनवा रहा हूँ आपको।
हेलो। हेलो हाँ हेलो, समाज जी कल्याण जी वाले सम सम अल्पसंख्यक विभाग ऑफिस से बोल रहे समाज कल्याण में नहीं बता पाएगा जो। हाँ बताइए बताइए, कुछ ना बताइए। जी, मेरी स्कॉलरशिप आई है लेकिन शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं आई है। हाँ माइनॉरिटी से तो बोल रहा ये, हूँ। मैंने सीएम हेल्पलाइन में रिपोर्ट दर्ज करी थी तो वहां से हाँ मुझे नंबर मिला। चीज सुनिए, बात सुनिए, 31 मार्च तक आप वेट करिए। स्कॉलर 31 मार्च तक अगर बजट होगा तो फीस का पैसा चला जाएगा, बजट नहीं होगा तो पैसा नहीं जाएगा। तो मतलब स्कॉलरशिप आ गई है लेकिन फीस प्रतिपूर्ति आएगी, अब दोबारा चांस है आने के। अब 31 मार्च तक वेट का कोई रास्ता नहीं, 31 मार्च तक अगर बजट होगा तो चली जाएगी। तो सर अभी बजट है कि खत्म हो गया है? अभी नहीं है, अभी नहीं है तो नहीं सर नया बजट तो रिलीज नहीं होगा अब। अब वो तो हम नहीं बता पाएंगे यार, हमें जो हमें जितना पता है वो हम बता रहे हैं। अगर बजट 31 मार्च तक हो गया तो तुम्हारे अकाउंट में पैसा चला जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं जा पाएगा। मेरे दोस्त की सर आ गई पूरी, मेरी नहीं आई। हाँ तो वही वही बता रहे हैं ना, वे 31 मार्च तक वेट करो। ठीक है सर। तो आपने रिकॉर्डिंग सुनी, ये थे सम अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारी जिनसे हमारी बात हुई थी। हमारे स्टूडेंट्स ने बात की और हमको कॉल रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जिस पर हम वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको स्कॉलरशिप की पल पल की अपडेट हमारे चैनल से मिलती है, इसीलिए आपका इतना भरोसा है हम पर लगातार बढ़ता जा रहा है कि पिछले 28 दिनों में लगभग 10,000 नए लोग हमसे जुड़े हैं। तो दोस्तों, आपको फिर से मैं एक चीज़ एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर किसी भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और आपकी मैथ्स वीक है, मैथ्स आपको बिल्कुल बेसिक से चाहिए और बिल्कुल फ्री आप कोस्ट मिलेगा, तो उस चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और समय समय पर मैं कम्युनिटी में भी उनकी वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो आप एक बार चैनल पर विजिट कर लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे या फिर आपको लगे कि नहीं हमारे लिए ये बेनिफिटेड है तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैथ की सारी क्लास वहाँ से आपको किसी भी वन डे एग्ज़ाम की, चाहे टी टेट हो, सी टेट हो, SSC हो, बैंक, रेलवे, सभी की मैथ वहाँ से आपको वो कंप्लीट करवाई जाएगी। तो मित्रों, जो पिछले साल ज़्यादातर समस्या OBC वालों के साथ थी, इस वर्ष माइनॉरिटी वालों के साथ भी है। OBC वालों के साथ तो चल ही रही है और जनरल वालों के साथ भी बहुतायत संख्या में है कि उनकी तो कुछ भी नहीं आ पा रही है। ठीक है, अब जैसे एक केस और हमारे सामने आया है, कुछ स्टूडेंट्स ने हमको कमेंट्स करके बताया है कि सर BEd जो फर्स्ट ईयर की वो फीस होती है, नॉन रिफंडेबल शुल्क जो है वो 51,250 रुपये है, लेकिन जो प्रतिपूर्ति शुल्क की जा रही है वो 30,000 रुपये ही की जा रही है। OBC में हमने देखा है और शायद माइनॉरिटी में भी 30,000 रुपये ही 51,250 की जगह शुल्क प्रतिपूर्ति की जा रही है। जनरल का भी हमको नॉलेज नहीं है कि जनरल में अगर किसी की है, जनरल में तो फ्रेश वालों की पहले बात तो आई ही नहीं है। तो देखिए, इन सब चीज़ों को माइनॉरिटी वालों से देखिए हमारी बात हुई है, कोशिश करेंगे एक दो दिन में OBC और समाज कल्याण विभाग में भी बात कर लें। उसके बाद आपने देखिए रिकॉर्डिंग में जो सुना है, रिकॉर्डिंग में उन्होंने खुद भी बोला है कि अभी आप 31 मार्च तक वेट करिए, 31 मार्च तक आपकी फ़ीस वापसी आ सकती है। जिनकी एक भी नहीं आई, जिनकी फ़ीस वापसी कम आई है, तो ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ कि जब मान लीजिए 51,250 जैसे BEd की फ़ीस है नॉन रिफंडेबल शुल्क, तो अगर उनकी मान लीजिए 30,000 आ गई है तो अब वो उनके चांसेस बहुत कम है इस फीस वापसी होने के। हाँ, जिनकी मान लीजिए केवल स्कॉलरशिप आई है, अभी मान लीजिए 4770 ही आई है, फीस वापसी अभी नहीं हुई है, तो उनके पूरे पूरे चांसेस हैं कि अभी उनकी स्कॉलरशिप सॉरी फीस वापसी आ सकती है 31 मार्च तक, जैसा कि अधिकारी खुद बता रहे हैं। हमने जब कॉल रिकॉर्डिंग आपको सुनाई तो आपने खुद सुनी होगी। ठीक है, तो आपको 31 मार्च तक वेट कर लेना है, क्योंकि देखिए सिस्टम क्या चल रहा है कि पहले जो है स्कॉलरशिप दी जा रही सभी छात्रों को, उसके बाद जो भी छात्र शेष बच रहे हैं उनको जो है फीस बजट बचेगा जब, तो उनकी फीस वापसी की जाएगी, ऐसा उनका प्लान है सरकार का और विभाग का। ठीक है, तो देखिए आप इंतज़ार करिए, 31 मार्च तक इंतज़ार के अलावा कोई चारा भी नहीं है। और जहाँ तक है कि अगर बजट खत्म हो जाता है तो देखिए अब दोबारा बजट भी नहीं आ सकता, क्योंकि आचार संहिता लागू है, पूरे देश में चुनाव चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे द्वारा ये दी गई जानकारी और वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोज स्कॉलरशिप और न्यूज़ से एजुकेशनल न्यूज़ से रिलेटेड लेकर आते रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।